सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एस क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं आप सभी को पता होगा नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था कि देर आर टोटल एट थाउजेंड प्लस वैकेंसीज़ तो अब सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब है बारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की और वो प्रैक्टिस जहां से आपकी स्पीड मेंटेन होती है आपका टाइम मेंटेन होता है आपकी एक्यूरेसी बैलेंस होती है वो सिर्फ सिर्फ आप स्पीड टेस्ट से ही कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है रिलेटेड एक पैसेज से। पैसेज आप सबने नो पढ़ लिया होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक बार हम स्किम करके बता देते हैं और अच्छा हाँ अगर आपको रीडिंग और अच्छी इंप्रूव करनी है तो आप मेरे एडिटोरियल के सेशन में भी जुड़ सकते हैं जो कि आपका वो सेशन होता है 1 पी पे जिसमें आप एडिटोरियल पढ़ेंगे डेली के जो आर्टिकल होते हैं फ्रेश यानी कि एक दिन पुराना और उसी से रिलेटेड उसकी वोकेबलरी भी पढ़ेंगे क्योंकि रीडिंग एंड वोकेबलरी आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स राइट तो चलिए यू हैव टू रीड द पैसेज जो आपको नीचे पैसेज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है टुडे मतलब आज जो की में एक ये मैनेजमेंट जो, जो है वो क्या है इन एफिशियंट है इट्स दैट द रोल एंड पर्पस ऑफ मैनेजर मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो रोल और जो मैनेजर का पर्पस होता है haven't kept pace with what's needed. मतलब उस पेस के साथ नहीं है कि जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है ये प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम क्या है जो रोल और पर्पस होता है मैनेजर का कि वो एक पेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है कि दैट व्हाट इज नीडेड दीज हैव बिकम द डिफॉल्ट डाइमेंशंस ऑफ अ मैनेजर किसी भी मैनेजर के लिए ये एक डिफॉल्ट डाइमेंशंस बन चुके हैं बट दे रिलेट टू लेकर के बस आगे बढ़ते हैं टेक अवे दिलिटी ऑफ द लैंडस्केप एंड वन नीट शू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दी ऑफ टारगेट बल्कि इसकी जगह ये होना चाहिए कि जो एक जो प्रोजेक्ट है जो एक लैंडस्केप बना रखा है कि इसकी स्टेबिलिटी यहीं तक होनी चाहिए बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कैसे रन कर रहा है कहाँ तक पहुंचा है ना कि नहीं की बस इतना टारगेट कम्प्लीट करना है ना ये मैनेजर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे दिस इज वॉट है और यही है जो आज हो रहा है एंड मैनेजर्स मस्ट मूव अवे फ्रॉम दी फ्रेंडली कंफाइन्स जो एक फ्रेंडली कन्फाइंड होता है ना कि फ्रेंड जोन में ही रहते हैं मैनेजर्स के हमारे अच्छा ये कलिंग मैनेजर है तो उस जोन से अब उनको कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ेगा सो वॉट विल बी नीडेड फ्रॉम मैनेजर्स इज टू थिंक डिफरेंटली अबाउट द फ्यूचर इन ऑर्डर टू शेप द इंपैक्ट एआई विल है ऑन देअर इंडस्ट्री अब क्योंकि ए आ गया है आप सभी को पता है ए के बारे में चाय जीपीटी के बारे में सबको इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि ए आई आ गया है तो क्या क्या जरूरतें होंगी मैनेजर से हम क्या क्या ले सकते हैं ये सोचने की वॉट यू कैन थिंक डिफरेंटली अबाउट द फ्यूचर आगे क्या होगा कैसे इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे दिस मीन्स स्पेंडिंग मोर टाइम एक्सप्लोरिंग द देशन ऑफ ए आई यानी ज्यादा से ज्यादा आप समय बिताइए ए आई के साथ उसको एक्सप्लोर करिए क्या क्या एम्प्लीकेशन हो सकते हैं हेल्पिंग अदर्स एक्सटेंड देयर ओन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाएं लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लर्न करें टू डेवलप न्यू प्रैक्टिस ताकि नई नई चीजें आप अपने अंदर जो है वो डेवलप कर सके वाइल्ड फेसिंग न्यू सिचुएशन ये नई नई सिचुएशन को फेस करते करते बेस्ट मैनेजर्स क्रिएट लीडरशिप सर्कल्स ग्रुप ऑफ पीयर्स फ्रॉम अक्रॉस दी फॉर्म पूरी की पूरी फॉर्म में एक लीडरशिप जो होते हैं वो बेस्ट मैनेजर्स का काम बता रहे हैं अभी यहां कि एक मैनेजर में पहले जो जो कमी है वो बताया अब बताने कि बेस्ट मैनेजर होता क्या है कि जब आप नई सिचुएशन को फेस करते हो द बेस्ट मैनेजर वही है जो एक लीडरशिप सर्कल को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीयर्स को क्रिएट करता है अक्रॉस टू गेन मोर अबाउट एंड जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसमें और ज्यादा परसपेक्टिव को वो सामने रख सके ठीक है मैनेजर्स नीड टू बी ब्रिंगिंग अ डायवर्स सेट ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स मैनेजर्स के अंदर एक ऐसी क्वालिटी भाई मैनेजर क्यों बोला जाता है कि उनकी थिंकिंग स्टाइल्स में कुछ चेंजेस हो वो अलग अलग तरीके से सोचे टू बियर ऑन दी चैलेंजेस दे फेस जिस तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं अगर उनका माइंड ओपन अप होगा तो वो डायवर्स थिंकिंग होगी तो और ज्यादा बेहतर वो चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे ट्रूली ब्रेक अवे थिंकिंग गेट्स इट्स स्पार्क फ्रॉम दी प्लेफुल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मेनी पीपुल एक्सचेंजिंग और ये एक एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग जो होगी एक प्लेफुल एक्सपेरिमेंट वाली एक जो कह सकते हैं सिचुएशन होती है ना जब आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करते हो तो आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करता है आप एक्सपेरिमेंटेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली चीजों को सोचते हो लोगों से अपने व्यूज एक्सचेंज करते हो तो आपको और नए आइडियाज मिलते हैं इंटीग्रेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस इमेजिनिंग डिफरेंट फ्यूचर्स और अगले फ्यूचर में आगे क्या क्या हो सकता है आप फाइव सिक्स कॉन्सिक्वेंसेज सोच डालो उससे रिलेटेड उसके सोल्यूशन सोचो तब आपकी थिंकिंग और एनहैंस होती है सो मैनेजर्स ऑफ एन एनकरेज प्रेडिक्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो मैनेजर्स ऑफ क्या करते हैं, करते हैं वो प्रेडिक्शन में ज्यादातर वो उस चीज को आगे करते हैं एनकरेज करते हैं दे वॉन्ट थिंग्स नेल डाउन सिस्टम इन प्लेस एंड एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर्स हाई वो ये चाहते हैं कि चीजें कैसी हो, हो. So अगर मैं यहां पे आपसे बोलू तो एक फ्रेज है नेल्ड डाउन का मतलब क्या होता है

ये सिर्फ इस चीज पे ये जो सिस्टम जिस तरीके से चलाने का सोच है जो जस्टिफिएबल है ये सिर्फ करंट सिचुएशन पे ही फोकस करेगा आगे आने वाली सिचुएशंस को कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं देगा ठीक है ऑन पॉप्यूचुएंग स्टेटस को स्टेटस को इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं खास करके पोलिटिकली और रिलीजियसली जो देखी जाए एट द एक्सपेंस ऑफ वॉट इज पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन नीड मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है मैनेजर से

वो इस फीलिंग को काफी अच्छे से जानता है आप लोग भी कही कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे या स्कूल में होंगे तो एक वो चीज आपकी बात बता रहे हैं द जॉब ऑफ अ मैनेजर मस्ट बी परमानेंटली रिकास्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एंटरप्रिन्योर जो एक मैनेजर की जॉब होती है वो परमानेंटली कैसे रिकास्ट होनी चाहिए फ्रॉम एन एक एम्प्लॉयर से एंटरप्रिन्योर की तरह सोचना चाहिए तब वो आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा बींग एंटरप्रिन्योरल इज अ मोड ऑफ थिंकिंग वन दैट कैन हेल्प तो हम चीजों को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं फ्यूचरिस्टिक होकर के सोचते हैं ना कि सिर्फ उन चीजों पर अटके रहते हैं जो प्रेजेंट में है और जिनको हम अवॉइड करते हैं थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रिन सिंपली मीन्स टू एक्सपैंड योर परसेप्शन एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का मीनिंग ये है ऑथर का कहने का मतलब कि आप अपने परसेप्शन को अपने व्यूज को और एक्सपैंड करते हो यू इंक्रीज योर एक्शन बोथ ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग न्यू गेटवेज फॉर डेवलपमेंट दोनों चीजों के लिए कि आप नए-नए तरीके ढूंढते हो फॉर डेवलपमेंट एंड दिस वुड मेक ऑर्गेनाइजेशंस मोर फ्यूचर फेसिंग और इन सभी चीजों से ऑर्गेनाइजेशन को और फ्यूचर फेसिंग बनाता है मोर वाइब्रेंट बनाता है अलर्ट प्लेफुल एंड ओपन टू दी ब्रिंग्स मतलब हर एक उस चीज को आ, फेस कर सकता है सक्सेस पा सकता है जब इनोवेशन ही नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी सो इनोवेशन कस्टमर्स कॉम्पिटिटर इन सभी चीजों पे आपको जो ट्रेंडिंग चल रहा है अगर आप उससे भी अपडेट नहीं होगा तब भी दिक्कत है मैनेजर राइट तो ये पैसेज आपके मैनेजर से रिलेटेड था सारा पैसेज इज रिवॉल्विंग अराउंड कैसा मैनेजर होना चाहिए और अगर कोई ऐसा मैनेजर है हु इज नॉट अपडेटेड तो क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं और कैसा मैनेजर होना चाहिए और एक मैनेजर को एंटरप्रिन्योर की तरह क्यों सोचना चाहिए क्या उससे फायदे मिलेंगे ये सारी चीजें यहाँ बताएगी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि अकॉर्डिंग टू दी पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है लिखा है देर इज नीड टू इंट्रोड्यूस अ डायवर्स सेट ऑफ थिंकिंग स्टाइल टू बियर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द मैनेजर्स तो यहां पे एक देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस पहला ही गलत हो गया जबकि लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस और यहां पे मेंशन कर दिया नो no. नो इस no की वजह से यही आपका नॉट ट्रू हो गया आगे देखो द क्रिएशन ऑफ लीडरशिप सर्कल्स और ग्रुप्स ऑफ पीयर्स फ्रॉम अक्रॉस दम टू गेन मोर पर्सपेक्टिव ये तो पॉइंट मेंशन था द नीड दैट मैनेजर्स मस्ट थिंक मच मोर अबाउट इनोवेशन नॉट जस्ट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस एज सेम लाइन अभी हमने पढ़ी मैनेजर्स नीड्स टू थिंक डिफरेंटली अबाउट दूचर फ्यूचर के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए तो ये भी ट्रू है तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है सिर्फ वन तो एंसर भी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वॉट आर दस्पेक्ट पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे आस्पेक्ट है दैट इज यूजली प्रिफर्ड बाई दैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है उसको प्रिफर करना चाहिए तो so, यहाँ पे क्या लिखा है द मैनेजर्स यूजली प्रीफर थिंग्स जर उन चीजों को खाली प्रेफर करता है जो परफेक्टली करी गई है तो यह बात तो सही है उनको सोचना चाहिए यह भी सही लिखा हुआ है ऑल्सो मैनेजर्स स्टिक टू प्रडिक्टिबिलिटी मैनेजर सिर्फ प्रडिक्शन पे रहते हैं डेली ऑपरेशन में रहते हैं फ्यूचर को लेकर के कोई चीज आगे नहीं बढ़ती तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये तीनों ही पॉइंट आपके क्या है करेक्ट है तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर फाइव लिया तो दोबारा से पैसेज में जाने की नीड नहीं पड़ती है ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दी पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग हाउ डज दी परसेप्शन ऑफ इंटरप्रिन्योर डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो एक इंटरप्रिन्योर का परसेप्शन है वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल देखो नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होता वो डे टू डे एक्टिविटीज पे ध्यान देता है एंटरप्रीन्योर फ्यूचरिस्टिक होता है आगे के जो चैलेंजेस उसको अगर ज्यादा वो जब एक्सप्लोर करता है तो आगे के चैलेंजेस को भी देखता है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है एन एंटरप्रन्योर है

किसी को पता है एनीबडी नोज व्यू मीन बाई डिवॉल्व अगर हम यहाँ पे डिवॉल्व की मीनिंग देखेंगे तो आप डिवॉल्व की मीनिंग में जब आप जाओगे तो डिवॉल्व में अगर आपके एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है स्प्लिंटर स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है चीजों को बिखेर देना जैसे स्प्रिंकल करते हैं ना यानी कि ब्रेक कर देना तोड़ देना क्रम्बल का मतलब भी ब्रेक करना होता है जैसे क्रम्स होते हैं ना स्मॉल स्मॉल पीसेस में तो उसको भी हम यही ब्रेक बोलते हैं डिस इंटीग्रेट की जब हम बात करते हैं इट मींस फॉल अपार्ट अलग अलग हो जाना एकदम बिखर जाना और उसके बाद इसका भी मतलब वही होता है तो रिटेन का मतलब होल्ड करके रखना कीप करना होल्ड करना ये होता है ठीक है संभाल के रखना तो यानी कि इसका मतलब ही ब्रेक भी होता है तो इसका जो करेक्ट इंटरनिम क्या हो जाएगा सिव और तो तो दिए हुए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट चलो नेक्स्ट थर्टी में क्या है विद रेफरेंस टू दी पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग वॉट इज इनफोर्ड फ्रॉम फ्रेज स्टेटस को स्टेटस को का मतलब होता है दैट इज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो चीजें अभी तुरंत में चल रही हैं रिलीजियसली और पॉलिटिकली तो द स्टेटस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द द एम्प्लॉइज इट रिफर्स टू कंटिन्यूइंग एक्शंस व्हिच हैव हैपेंड ऑलरेडी द एगिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली रिगार्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज यही इसका मीनिंग है तो सी से आंसर होगा तो आंसर मार्क कर देंगे ओनली सी ये तो मीनिंग ही डायरेक्टली लिख दिया राइट वेरी गुड चलिए 31 से 35 क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे तीन ब्लैंक्स दिए हैं यानी कि मल्टीपल फिल इन फिलिंदी ब्लैंक्स है मल्टीपल फिलर का ये क्वेश्चन है सिंगल फिलर डबल फिलर्स और मल्टीपल फिलर्स तो आपको वाइजली चूज करना है वर्ड्स को टू मेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट तो यहां पे देखेंगे द लाइव स्टेज परफॉर्मर वॉज फुल ऑफ जेस्ट जो लाइव परफॉर्म करते हैं जैसे जब लाइव आप कहीं आते हो तो एकदम से फुल रहते हो जेस्ट मतलब एंड शी अराउंड दी लॉन्च हर फेवरेट पॉप स्टार बट ऑल्सो मिमिक हिस्स अब यहाँ पे कई सारे वर्ड्स यूज हुए हैं प्रांस इम्पर्सोनेटिंग स्मगनेस है ना तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ वर्ड देखेंगे क्योंकि बाकी वर्ड्स का मीनिंग पता होगा मे बी प्रांस का और कैजुलिंग का नहीं पता होगा तो जब हम कैजुलिंग की बात करते हैं कैजुअल इज फ्लैटर करना है ना क्या करना फ्लैटर करना और जब हम किसकी बात करेंगे अगर यहाँ पे और भी वर्ड यूज हुए हैं दैट इज प्रांस प्रांस का मतलब क्या होता है जब हम प्रांस की बात करते हैं इट मीन्स आप Uh, एक जंपिंग स्टाइल में नहीं एकदम मौज में कूदते फानते हो और डांस स्टेप्स करते हो सो वेन यू मूव विद यू मूव विद हाई स्ट्रिंग स्टेप्स तो उसे हम बोलते हैं फैंस यानी कि डांस के फॉर्म में ही आ जाता है तो लाइव स्टेज परफॉर्मर जो था वो फुल ऑफ जेस्ट थी एंड शी डांस्ड तो टर्न्ड और बोथ तो किसी भी हालत में नहीं होगा Turned, both, मतलब तो 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 होना ही नहीं है, तो one, three, तो होना ही ही नहीं नहीं है है तो इसलिए fourth भी reject हो गया. Dance, हम कह सकते हैं around the lounge, impersonating her favorite, या accompanying her, uh, अपना फेवरेट पॉप स्टार को लेकर के वो डांस कर रही थी ना तो so, इम मतलब क्या होता है एट शी वॉज प्रिटेटिंग प्रिटेंडिंग टू बी एनर पर्सन प्रिटेंड टू बी

किसी का साथ देना तो वो तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर वन जो है करेक्टली इसमें फेल हो जाएगा नेक्स्ट देखो इंक्रीज वॉट इंक्रीज क्या था बताइए इंक्रीज का मतलब क्या होता है कोई चीज जो कानों में चुभती है दैट इज बजिंग इन द इयर्स अगर हम बोले तो उसे हम बोलते हैं Tinnitus. राइट right? और अगर हम बोलते हैं रिगल रिगल मतलब यू वेन यू ट्विस्ट समथिंग और टर्न क्विकली राइट रिगल मतलब ट्विस्ट करना ट्विस्ट और टर्न ठीक हिजिंग साउंड हम जैसे बोलते नहीं है जैसे वो स्नेक की होती है बहुत हिजिंग साउंड होती है उसके लिए हम यूज करते हैं रप्चर की अगर हम बात करें तो ब्रेक या फ्रैक्चर की बात करते हैं ये तो सभी को पता है रप्चर ठीक है अब इसमें काफी सारे वर्ड्स कॉमन है क्योंकि ठीक है तो उनका हम नहीं बता रहे क्लैमर क्या होता है वो कमोश कमोशन को ही हम क्लैमर बोलते हैं कमोशन को हम क्या बोलते हैं क्लैमर बोलते हैं दैट इज यू नो एक बहुत नॉइजी uh, जिसे हम बोल सकते हैं उसके लिए बोल सकते हैं तो इंक्रीज यहां पे क्या है दैट फेल्ट लाइक द इयर ड्रम्स जो कानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही थी एंड दी ऑफ लाउडनेस लास्टेड ऑल डे इन मी और उसकी लाउडनेस कहीं ना कहीं मेरे कानों में गूंजती रही तो जब आप यहां पे देखोगे तो कमोशन की अगर हम बात करें आप कहोगे मैम ये तो आपने बता दिया कि ये सेम है बट एक्चुअल में अगर हमें कमोशन का भी मतलब ना पता हो तो हम क्या करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है आप किसी चीज को यू आर आस्किंग समथिंग इन अ बैड वे बहुत बुरे तरीके से किसी चीज के लिए आप चीखते चिल्लाते हो उसके लिए बोलते हैं तो देखो ये वर्ड्स का थोड़ा हेरा फेरी है तो कमोशन भी आ सकता है क्लैमर भी आ सकता है पहले वाले में लेकिन आगे क्या फेल्ट लाइक रप्चरिंग या रपचरिंग दम्सिंग दम्स तो रिंगिंग तो होगा नहीं इसीलिए पे रप्चरिंग होगा कानों को चीर रहा था जिसे हम बोलते हैं एंड टिनिटस ऑफ लाउडनेस और जो उसकी लाउडनेस थी दैट वॉज लास्टेड ऑल डे इन मी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं होगा जो यहाँ पे इसको करेक्टली मीनिंगफुली कंप्लीट करेगा नेक्स्ट द मैन वॉज एट आफ्टर देश अब यहां पर मैन वॉज एट वॉट अगर हम यहां पर देखें वर्ड यूज हुआ है ठीक है रेस्पाइट का मतलब क्या होता है रेस्ट और रिलीफ एक तरीके का रिलीफ राहत रिलैक्स डिसाइड यू ऑल नो इडियोटिक समथिंग फील्स लाइक की फूल टाइप में उसको फील करना और अगर हम फेशियस की बात करते हैं ये जो फेशियस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है जब हम फेशियस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका फ्रिवुलस दैट इज फॉल्स एंड स्टुपिड है ना फॉल्स या स्टुपिड और ये आपके सब इसके है फ्रिविलस या इडियोटिक डिसाइडेड कंसीडर्ड या कन्फेस्ट मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है ना तो ये दोनों का ही मतलब होता है एक्सेप्ट करना Confess या तो so हो हो गया decided क्या हो गया out of the range? क्योंकि decide क्या क्या क्योंकि मतलब होता है आप किसी चीज को डिसीजन ले रहे हो तो यहाँ पे आपके सभी का मीनिंग सेम है तो ये दोनों ही आ सकते हैं कि ओपोजिशन ने जब ये एक्सेप्ट किया जितने भी हैं है देवर फॉल्स तो ये तो दोनों ही आ गए तो अकॉर्डिंगली आपके बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएंगे राइट नेक्स्ट आफ्टर इन फैमिली जो continue एक आ, क्या चल रही थी फैमिली में फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग चल रही थी द कपल डिसाइडेड कपल ने क्या डिसाइड किया रिजाइन करने का रेसेंट रिवाइज रेजोनेट या रेसेंट सब अलग अलग है रिजाइन का मतलब होता है जब आप कहीं से यू आर लीविंग रेसेंड का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना रिवाइज का मतलब होता है किसी चीज को यू आर रिपीटिंग इट रिवाइज मतलब क्या होता है किसी चीज को आप रिवाइज कर रहे हो यानी कि आप उसको रिपीट कर रहे हो और अगर हम रेजोनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना Restrained का मतलब सभी को पता है यानी कि कोई चीज अपने कंट्रोल में रखना दैट इज अनइमोशनल भी इसको हम बोल सकते हैं अब यहां पे रेजोनेट का बता दिया रिवाइव मतलब किसी को ब्रिंग टू लाइफ जीवन दान देना रेजिस्ट यानी कि कंट्रोल करना है ना विदस्टैंड रिएक्शन रेप्रीमेंट मतलब किसी को पनिश करना ये तो सभी को पता है बहुत इजी है बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलक्टेंट रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा अगर हम रिलक्टेंट बोलते हैं इट मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलक्टेंट जब हम रिलक्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि चीजें क्या हैं आपकी रिलक्टेंट हैं है ना तो रिलक्टेंट का मतलब होता है जब हम इसको यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो इसका मतलब बेसिकली यू नो जो जिस चीज के आप डिजायरस नहीं रहते हैं। है ना यू आर नॉट वॉन्टिंग टू डू समथिंग राइट और यू आर नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं नॉट वॉन्टिंग टू डू एनी थिंग अब आता है एम्ब्रेस करना जब हम एम्ब्रेस की बात करते हैं तो एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है आप किसी चीज को अगर एम्ब्रेस करो इट मीन यू आर हगिंग इट है ना amend amend तो सामने सुना होगा amend और amend one and the same thing it means you are making corrections eminent worker मतलब बहुत ज्यादा efficient है कोई और अगर emulate करना है तो इसका मतलब किसी चीज को मैच करना मिलाना और empathy is the ability to understand and share the feelings of another तो यहां पे क्या होगा कब इतना ज्यादा जब काउंसलिंग चल रही थी तो फैम जो कपल है उसने क्या डिसाइड किया टू द दिन डायवोर्स को क्या करेंगे वो कैंसिल करेंगे या रिवाइज करेंगे क्यों आगे पढ़ो एज दे टू देयर रिलेशनशिप एंड देयर रूल्स तो या तो कैंसिल करेंगे या रिवाइज करेंगे दो ही चीजें हो सकती हैं इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं भाई अगर उनको अपनी रिलेशनशिप को और टाइम देना है तो दे विल नॉट रिवाइज इट दे कैंसिल सिर्फ एक में ही दिया हुआ है टू रिवाइव यानी अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से वापस मारने के लिए एंड एम एंड देर रोल्स और अपने roles अपने रोल्स को यानी अपनी अपनी आदतों को कुछ ना कुछ चेंज करेंगे सो ऑप्शन नंबर टू से बेटर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट द इन दैवल ड्यू टू लैंड स्लाइड नॉट टूर ऑफ टूरिस्ट दे बाय प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन साइड द बस टूर जब ट्रेवल वो करे तो बस यानी खराब हो गई इससे यही चीज समझ में आ रही है तो बस के अंदर ही वो सब लोग अलग अलग कुछ डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलने लगे ठीक है तो लोक जाम क्या होता है लोग जाम इज द यू नो क्राउडेड मास ऑफ लॉक्स होता है दैट वो जो रिवर को ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से ठीक है क्राउडेड मास ऑफ लॉक्स ठीक है और जब हम बात करते हैं ग्ली ग्ली इज समथिंग ग्रेट डिलाइट किसी चीज से आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो और फिर यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ओवरटर्न ओवरटर्न का मतलब होता है किसी चीज को रिवर्स करना या कैंसिल करना तीनों ही दिए हुए अब यहां पे क्या हो गया द लोग जाम इन द ट्रैवल ड्यू टू लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड के कारण से क्या हो गया लोग जाम हो गया तो ऑब्वियसली लोग जाम ही पहले आएगा ग्रेट डिलाइट तो होगा नहीं ओवरटर्न होगा नहीं तो यही अप्रोप्रिएट होगा So, did it not overturn? मतलब कैंसिल नहीं कर सकते थे ना आगे जा पा रहे ना पीछे सो दे कैन नॉट कैंसिल दी ग्रेट डिलाइट इसीलिए वो लोग बस के अंदर ही गेम खेलने लगे सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे क्या हो गया सबसे अप्रोप्रिएट हो गया कि नहीं हो गया यस ऑनो तो ऑप्शन नंबर वन विल बी दी आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से फोर्टी क्या है रीड ईच पार्ट ऑफ देंटेंस टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी एर इन इट और नॉट आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है कि कोई एरर है या नहीं है चलिए फाइंड आउट करते हैं रेयर मेनोस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन कंपाइल कंपाइल मतलब इकट्ठे करना ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब व्हिच वाज स्कैटर्ड इन द होल ऑफ इंडिया जो पूरे पूरे भारत में फैली हुई है नीड टू बी प्रिजर्व थ्रू डिजिटलाइजेशन ठीक है आज दो पार्ट ऑफ द रिच सिख कल्चरल हेरिटेज सिख कल्चरल हेरिटेज से क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या थी पार्ट थी उसकी अब यहाँ पे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ऑन ऑन क्या है बेटा प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है नाउन के लिए कंपाइल का मतलब होता है किसी चीज को कंपाइल करना ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है बट हमें चाहिए क्या जो कि ये रॉन्ग है नाउन तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कंपाइलेशन एज अ नाउन आप यहाँ पे इसको क्या यूज कर सकते हो कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब तो पे एरर किस पार्ट में हो गई फर्स्ट पार्ट में मार्क कर दो तुरंत ऑप्शन नंबर वन एकदम फटाक से नेक्स्ट देखो द पुलिस पुलिस कमिश्नर कमिश्नर पॉइंटेड आउट ने ये पॉइंट आउट किया दैट गणेश आइडल इंस्टॉलेशन जो गणेश मूर्तियां थी जो उनका इंस्टॉलेशन था विल ओनली बी परमिटेड एट प्लेसेस वेयर द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड जहां पे आराम से जो ट्रैफिक नहीं लगता है उन चीजों पे अगर दिक्कतें ना आए तब तो गणेश आइडल इंस्टॉलेशन हो सकता है उन जगहों पे एंड नो थ्रेट इज कॉज टू दी लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे मतलब कानून व्यवस्था ना बिगड़े ठीक है तो यहां पे अगर आप परमिशन की बात कर रहे हो ओनली बी परमिटेड एट प्लेसेस लिखा है तो ओनली बी परमिटेड होगा या क्या होगा विल परमिटेड ओनली या विल बी परमिटेड ओनली एट प्लेसेस तो जब आप देखोगे जो आप एक गणेश आइडल इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो प्लेसेस जिन लोकेशन में कर रहे हो तो ओनली के परमिटेड के बाद यहाँ पे ओनली आना चाहिए था ना कि यहाँ जो कि रॉन्ग हो जाएगा एक एडवर्ब है तो वर्ब को ही सिर्फ एक एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर सकता है तो यहाँ पे होना चाहिए था Hence, two, तो विल बी परमिटेड ओनली एट प्लेसेस वेयर दी फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड हेंस द एरर इज इन पार्ट टू तो वी विल वीविल आंसर ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन सीनियर सिटीजन पुलिसमैन एंड यंगस्टर्स होल हार्टेडली ज्वाइन दी प्लांटेशन ड्राइव बहुत सारे लोगों ने जो प्लांटेशन ड्राइव थी जिसमें स्कूल चिल्ड्रेन थे सीनियर सिटीजन पुलिसमैन और यंगस्टर्स थे होल हार्टेडली पूरे दिल से उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव को ज्वाइन किया टू डिराइव किस चीज के बारे में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट्स के लिए किसके अंडर अंडर अर्बन फॉरेस्ट्री तो क्या यहां पे किसी को कोई एरर दिख रही है नो no एरर क्योंकि यहाँ पे हर चीज अकॉर्डिंगली यूज हुई है ग्रामेटिकली करेक्ट है टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ये भी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट इन दास्ट फ्यू इयर्स द डिमांड फॉर आइडल्स पिछले कुछ सालों में जो एक आइडल की डिमांड रखी गई है ना दैट इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी हैव गॉन अप ड्रास्टिकली एफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ दोज हु गिव शे टू दी आइडल्स इन अ ट्रेडिशनल वे तो यहां पर देखो क्या क्या पास जो डिमांड थी किसके लिए आइडल्स के लिए जो पीओपी की आइडल्स बनते हैव गॉन एक डिमांड इज वॉट सिंगुलर और नॉट तो और ये क्या है प्लुरल है तो क्या ये मैच हो रहे हैं नहीं सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको यहां पर वर्ब शुड बी सिंगुलर तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे का ही तो यूज करेंगे has gone up तो एरर आपकी कहां हो गई सेकेंड पार्ट में तो वी विल मार्क आंसर ऑप्शन नंबर टू एज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट द सिटी पुलिस हैव बीन सीवियरली है जो शहर की पुलिस होती है वो स्ट्रिक्टली सीवियरली यानी सीरियसली क्या है सॉरी uh, है इन देयर एफर्ट्स टू कंट्रोल क्राइम क्राइम और ट्रैफिक वॉयूशन जो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं

फोर्थ पार्ट में आ गई यहां पे आपकी एरर है क्योंकि इट कैन नॉट बी मेंटेनेंसेस राइट चलो 41 से 45 क्या है इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस दे आर विथ टू ब्लैंक स्पेसेस अभी तीन फिलर का था अब ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है डबल फिलर्स का यानी कि टू ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं इन दोनों ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है जिसके अगेंस्ट आपको कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं ठीक है समझ में आ गई बात ये ऑर नो समझ में आई कि नहीं आई चलिए देखते हैं क्या होगा द फार्मर डिपोजिट देर सैंपल्स टू एनालाइज दी ओवरऑल फर्टिलिटी तो ऑब्वियसली बात है फार्मर किस चीज का सैंपल देगा कि इसकी फर्टिलिटी कितनी है बताओ सीड्स की सॉयल की वेजिटेबल की लीव की या प्लांट की तो वेजिटेबल लीफ और प्लांट्स तो दूर दूर तक नहीं होंगे या तो बीज की देगी या तो मिट्टी की तो फर्टिलिटी कैसे पता लगती है सीड से या उसकी मिट्टी से ऑब्वियसली उसकी मिट्टी से सीड से नहीं पता चलती है है ना या सॉइल से सीड से नहीं पता किससे पता है? उसकी मिट्टी से मिट्टी की फर्टिलिटी है कि नहीं उपजाऊ है या नहीं है टू अचीव अ डिजायर रिजल्ट फर्टिलाइजर्स इफेक्टिवली ये तो एकदम तुरंत हो गया ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट फ्लोर और वीट शॉप में दुकानों में जहां पे गेहूं और आटा जो कहते हैं वॉज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द लिस्ट ऑफ वॉज गेट टू बीड बाई दिलिटी मतलब जिनको राशन बटना था जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन यानी कि लिमिटेशन हो गया और एक जो प्रोविजन होता है प्रोविजन किसी चीज के लिए रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो रूल्स तो है नहीं सफिशियंट मतलब जो पर्याप्त है अवेलेबल मतलब जो चीजें अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तो जो आटा या गेहूं अवेलेबल था distribution के लिए उसकी लिस्ट अभी तक नहीं की गई है म्यूनिसपलिटी अभी भी इशू करना बाकी है तो बेनिफिशियज लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी मतलब जिनको वो राशन मिलना है सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर फोर जो हो जाएगा अप्रोप्रिएटली इसमें फिल हो जाएगा नेक्स्ट द फायर वर्क मैन्युफैक्चर विदाउट प्रॉपर यूज केमिकल्स इंक्लूडिंग क्लोरेट फॉर कलरफुल इफेक्ट विच मे एक्सीडेंट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं सिक्योरिटीज इंप्लॉयस तो ऑब्वियसली बिना प्रॉपर लाइसेंस के क्योंकि सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है क्योंकि हेजार्डस केमिकल उसमें होते हैं तो सिक्योरिटी नहीं उसमें प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए फायरवर्स मैन्युफेक्चर के लिए क्योंकि उससे कलरफुल इफेक्ट होता है जो कई सारे एक्सीडेंट्स कर सकता है तो यहाँ पे एक लाइसेंस की बात कर सकता है और ट्रिगर ट्रिगर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दैट कॉज समथिंग और दैट तो यहां पे क्या हो जाएगा लाइसेंसेस यानी ऑप्शन नंबर वन विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट पुलिस मैन एट मेनी प्लेसेस जो पुलिस वाले होते हैं कई कई जगहों पे क्या होते हैं और व्हीकल्स इंडिस्क्रिमिनेटली वो क्या करते हैं वाहनों को रोकते हैं Searching for money, harassing and extorting money from citizens. और जो आम नागरिक है तो ये जबरदस्ती हो गई ना तो वो सर्च नहीं करते हैं मैनिपुलेट मतलब उनको प्रैंक करना ओवरटर्न अलग हो गया स्पीडिंग या पुलिस पुलिसमैन तो रोकते हैं ना आप लोग भी बाइक चलाते होंगे तो आप जाते होंगे तो पुलिस वाले रोक लेंगे हेलमेट नहीं लगाएगे नहीं लगाया अगर हेलमेट दिखा दे तो लाइसेंस दिखाओ लाइसेंस दिखा दे तो दुनिया की बातें इनोसेंट so, सिजेंस को सिर्फ परेशान करते हैं तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा करेक्टली फेल हो जाएगा और अप्रोप्रिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स ऑफ दी सेंटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइस ऑफ अनियन इन द रिटेल मार्केट प्याज का जो प्राइस है कहां पे रिटेल मार्केट में इट कॉन्टिन्यूज टू अनरिजनेबली हाई वो अनरीजनेबली क्या था काफी ज्यादा हाई था एज मोस्ट रिटेलर्स इन सिटी बहुत सारे ऐसे शहर में हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे नहीं दे रहे तो ये क्या है हाई अनियन का प्राइस जो है बिना किसी कारण के अनरीजनेबली क्या है हाई है तो यानी कि रेस्ट डिले मतलब दे रही वॉच मतलब देखना एंड्योर मतलब एल्योर करना तो यहां पे आपका क्या होगा रिमेन अनरिजनेबली हाई क्योंकि जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है इन सप्लाई ऑफ यानी कि कमी हो रही है इन सप्लाई ऑफ अनियंस सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन अनियंसॉर्डिंगलीप्शन टू फिल हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं यहाँ पे क्या चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 49 में क्या दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको उसको सेंटेंस को फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जो अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है जिसको आपको क्या करना है रीअरेंज करना है यानी कि ये क्वेश्चन किसका है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है आपको तो ये तो सबसे आसान है खास करके जब ऑप्शन दिए होते हैं तो क्या लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग दी एल द इंटरनेशनल बॉर्डर टू आस्क इट्स फोर्स टू अर टू दी सीज फायर India has repeatedly called upon its neighboring country, understanding that had been in existence. एक चीज का याद रखो जब कभी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो तो ये याद रखो जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा वो आपका क्या होना चाहिए वो हमेशा या तो नाउन से स्टार्ट होगा या तो प्रोनाउन से तो जब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फॉर यहाँ पे आपका बी पार्ट में एंड सी में तो नाउन से है, इंडिया है और डी में अंडरस्टैंडिंग है तो ना ए से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ना बी से स्टार्ट हो सकता है ना ही डी से स्टार्ट हो सकता है ना ई से स्टार्ट हो सकता है तीनों से ही चारों से नहीं स्टार्ट हो सकता बचता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी है तो जब सी बचता है तो हमें ये पता है कि सी वाले से सॉरी बचता हमारे पास खाली क्या है डी कि डी से ही सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ये कंफर्म है तो सारे ऑप्शन चुपचाप मार के एलिमिनेट कर दिया करो बहुत ही सटीक तरीका बता रही हूं जब आपको ओपनिंग सेंटेंस पता चल जाए और तो ऑप्शन में देखो उसके अलावा कुछ और नहीं दिया तो सीधे उठा के वही आंसर आपका मार्क और यही आंसर हो जाएगा लेकिन एक बार चेक भी कर लो कि क्या ये मीनिंग है फुल या कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है या नहीं क्या लिखा है इंडिया हैज कॉल्ड अपॉन इट्स नेबरिंग कंट्री फिर उसके बाद आप सी में जाओ टू आस्क इट्स फोर्सेज टू दीज फायर अंडरस्टैंडिंग दैट हैड बीन इन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड मेंटेन पीस एंड ट्रेंटी अमंगलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर बैठ गया ना हो गया ऑप्शन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स द सर्विस शोड दैट वरिंगली ओवरऑल डिमांड ओनली रोज मार्जिनली ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड फॉर्म बेयरली इंक्रीज हेड काउंट विच वॉज हर्ट बाय ऑलमोस्ट नेगलिजिबल अमाउंट ऑफ अब देखो फॉर से विच से तो सेंडर स्टार्ट नहीं होगा फॉर प्रपोजिशन है और विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमें चाहिए होता है एक जो उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होगा फिर आता है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इससे सेंटेंस हम स्टार्ट कर सकते हैं इससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आगे हम देख रहे हैं तो कुछ करेक्ट नहीं बैठ रहा है और फिर अगर हमने देखा तो यहां लिखा है ओवरऑल डिमांड कब बढ़ती है कब बढ़ती है नहीं पता हमें हमें नहीं पता कि कब बढ़ती है फिर आपका बी पार्ट में दिया द सर्वे शोड दैट वरिंगली तो हमें सिर्फ द सर्वे यही एक ऐसा दिख रहा है जो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है तो यहां पे बी अगर फर्स्ट है तो ए वाले तो हटा दो अब बी के बाद एक कंफ्यूजन ये आ गया या अगर ए आया तो ये दो होंगे और सी आया तो सिर्फ फर्स्ट होगा देखो क्या आ सकता है द सर्वे शोड दैट वरिंगली ओवरऑल डिमांड या शोड दैट वरिंगली फॉर द गवर्नमेंट उसने क्या शोट किया कि जो गवर्नमेंट के लिए या पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या चीजें हैं वो मैटर करती हैं तो ए ये कंफर्म है कि हमारा पहला आएगा तो वन ये रिजेक्ट हो गया फिर हम फंस गए क्योंकि उसके बाद सी दिया है ये कंफर्म है कि बी ए के बाद क्या आएगा सी आएगा तो आप लिखेंगे A, A के पॉलिसी मेकर्स ओवरऑल डिमांड कब बढ़ेगी ओनली रो रोज मार्जिनली फिर हमारा यहां पे ई e आएगा कि डी आएगा मार्जिनली ग्रोथ या मार्जिनली विच तो मार्जिनली के बाद विच तो आपका आना ही आना है मार्जिनली विच वाज़ ओवरऑल डिमांड की बात कर रहे हैं ना जिसके लिए ये विच यूज हुआ है तो आपका ये डी भी रिजेक्ट हो जाएगा फिफ्थ इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो जाएगा राइट फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स डिड नॉट रियली हैव कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स इन है मार्केट प्लेस एंड हाइब्रिड क्लाउड्स इन आ कैच ऑल बर्ज वर्ड इन यूज बाय एन इंडस्ट्री दो देयर वाज मच टॉक

कैसे पता चलेगा पहले लिंक कर लो यहां पे बात किया है पब्लिक क्लाउड की प्राइवेट क्लाउड्स की और कहीं क्लाउड्स दिख रहा है आपको बिल्कुल दिख रहा है हाइब्रिड क्लाउड्स यानी कि सी और बी एक साथ आएंगे पहले क्या आएगा बी आएगा या सी आएगा तो पहले सी आएगा क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड्स बाद में तो सी और बी एक साथ में आएंगे तो जो सीक्वेंस होगा वही कर लो यहां पे भी लेकिन वैसे ही दिया है यहां पे भी दिया है तो अब डी आ सकता है क्या तो यहां पे लिखा है जो मार्केट प्लेस है वहां पे दो देअर वॉज देअर वॉज तो ये पहले आ जाएगा कि नहीं तो यहाँ पे देखोगे कि ए के बाद पहले सी ही आएगा क्योंकि बी आपका ऑप्शन यानी कि डी आपका ऑप्शन नहीं बन रहा है हुम हुम के पहले क्योंकि आपका एक नाउन होना चाहिए तो इसीलिए ये आपका हट जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा कि जो मार्केट प्लेस है दो देयर वॉज मच टॉक फ्रॉम देम ऑफ पब्लिक क्लाउड्स प्राइवेट क्लाउड्स एंड हाइब्रिड क्लाउड्स एंड एन कैच ऑल बज वर्ड इन यूज

है ना जब और यहाँ पे ऑन है तो अब कंफर्म है कि ए से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये बी वाले हटा दो अब ए के बाद सी आएगा कि डी आएगा तो जब ये देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है कि इंसेंटिव को पे किया जाएगा ऑब्वियस सी बात है या आ, उनको क्या किया जाएगा आ, पे किया जाएगा या उस पर रिस्ट्रक्टिंग कॉम्पनसेशन किया जाएगा तो इंसेंटिव के लिए पहले कॉम्पनसेशन होगा विद ग्रेट फोकस तो ए के बाद बी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि वो बी है तो हमारे पास क्या बचा और एक्चुअली ये सी है तो यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा डी रिजेक्ट हो जाएगा कि और विद ग्रेट फोकस किस पे ऑन वेरिएबल पे लिंक्ड टू परफॉर्मेंस जो वेरिएबल पे होगी वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी यहां पे क्या दिया हुआ है आपको फोर वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है जिसमें से ये पहले ही बता चुके हैं कि दो वर्ड्स की मिस स्पेल्ड है और वही आपका आंसर होगा तो पहला वर्ड लिखा है चांसलेरी देखो यहीं पे ये ही रॉन्ग हो गया क्योंकि चांसलेरी की स्पेलिंग होती है ई एल एल ई आर वाई ना कि ए आर वाई तो ये रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया जिसका मतलब होता है एक पोजिशन या ऑफिस या डिपार्टमेंट ऑफ अ चांसलर चांसलर चांस करेक्ट है मेरिटोरियस ये तो सभी को पता कहता है ना मेरिटोरियस स्टूडेंट है बहुत ही ब्रिलियंट एम ए आर ई नहीं होता है एम ई आर आई होता है यानी कि जो डिजर्व करता है प्रशंसा तो यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी सी तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर फाइव वुड बी दी करेक्ट एंसर सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दी एस टी सोल्यूशन मिलते हैं नेक्स्ट एस टी सोल्यूशन के साथ टिल थैंक यू सब्सक्राइब ने